सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स अपने यूएवीज की फ्लीट में एक बड़े बदलाव करने की योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स दो अलग अलग तरह के आर्म्ड ड्रोन्स को खरीदने की डील को फाइनलाइज कर सकती है। और इन दो अलग अलग ड्रोन्स में से एक ड्रोन होगा यूएस कंपनी जनरल एटॉमिक्स द्वारा विकसित किया गया प्रीडेटर बी नाम का आर्म्ड यूएवी और दूसरा होगा इसराइल के हेरॉन ड्रोन्स का आर्म्ड वर्जन। और जबकि इंडियन एयरफोर्स वर्तमान समय में इसराइल के इस हेरॉन ड्रोन के अनआर्म्ड वर्जन का ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही है, जिसे सर्विलियंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पिछले साल मई के महीने में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 10 हेरॉन टीपी वर्जन वाले ड्रोन्स को खरीदने के लिए मंजूरी दी थी, जो कि आर्म्ड यूएवीज हैं और वे मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं। और सोर्सेज का कहना है कि इसराइल के साथ करीब $400 मिलियन की कीमत वाले इन ड्रोन्स की डील को जल्द ही फाइनलाइज कर दिया जाएगा। और ये इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में पहला इजरायली ड्रोन होगा जो कि मिसाइल स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ आएगा। बता दें कि इंडियन एयरफोर्स वर्तमान समय में इसराइल के हेरॉन ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करती है, जो कि एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कामिकाजे स्टाइल ड्रोन है जो दुश्मन के टेरिटरी में घुस के खुद को ब्लास्ट करके दुश्मन को नुकसान पहुँचाता है। और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के लिए अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट की डील को फाइनलाइज करने की प्रोसेस भी चल रही है, जिसके तहत करीब $7.5 बिलियन की कीमत पर इंडियन एयरफोर्स के लिए प्रीडेटर भी आर्म्ड ड्रोन्स के साथ साथ नेवल स्पाई प्लेन्स को खरीदने की डील को भी फाइनलाइज किया जाएगा। और बता दें कि अमेरिका के साथ आर्म्ड ड्रोन्स और नेवल स्पाई प्लेन्स की परियोजना अलग अलग तरीके से चल रही है, जिसमें से एक ट्राई सर्विस प्रोजेक्ट है और जबकि दूसरा खास तौर पर केवल इंडियन नेवी के लिए है। 16 नवंबर की रात को इंडियन आर्मी के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड द्वारा अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल के पहले रात्रि परीक्षण को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। और इस परीक्षण को खास तौर पर अग्नि 2 के ट्रेनिंग यूजर ट्रायल के तहत आयोजित किया गया था, ताकि इस मिसाइल को इस्तेमाल करने वाले इंडियन आर्मी ट्रूप्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस और उस कैपेबिलिटी को विकसित किया जा सके, जिसकी मदद से वे बिना डिफेंस साइंटिस्ट के भी इस मिसाइल को लॉन्च करने में सक्षम हो। और इस परीक्षण के दौरान अग्नि 2 मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री को सोफिस्टिकेटेड रडार्स, एलिमेंट्री ऑब्जर्वेशन स्टेशन, इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट और दो नेवल शिप्स की मदद से ट्रैक किया गया था। और डीआरडीओ सोर्सेज का कहना है कि ये परीक्षण पूरी तरीके से सफल रहा है और इस मिसाइल ने अपने सारे मिशन ऑब्जेक्टिव्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अग्नि 2 मिसाइल का पहला रात्रि परीक्षण था, जिसे डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड से आयोजित किया गया था। और इस परीक्षण के दौरान मिसाइल ने 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया है। बताते कि अग्नि 2 मिसाइल एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि 1000 किलोग्राम तक के कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है और जो इसकी रेंज है वो 2000 से 3500 किलोमीटर तक है। और अग्नि 2 मिसाइल अपने टारगेट को सटीकता के साथ हिट करने के लिए एक एडवांस ग्राउंड बेस्ड बीकॉन सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जो कि जीपीएस सिस्टम की तरह ही है। और इस मिसाइल को स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में सन 2004 में ही इंडक्ट कर दिया गया था। और इससे पहले जो इसका आखिरी परीक्षण था वो 20 फरवरी 2018 को इसी बेस से आयोजित किया गया था। टॉप मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्पेस कमीशन के सामने इसरो ने एक इंटरनल रिपोर्ट को पेश किया है, जिसके मुताबिक चंद्रयान 2 मिशन के दौरान चंद्रमा के सतह पर जो विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक लैंड नहीं हो पाया था, उसका कारण लास्ट मिनट सॉफ्टवेयर ग्लिच को बताया जा रहा है। यानी कि लास्ट मिनट में सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आने के कारण विक्रम लैंडर चंद्रमा के सतह पर क्रैश लैंड हुआ था। और इसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से ही चंद्रमा के सतह से केवल 500 मीटर ऊपर जाके ही इसरो का विक्रम लैंडर से कनेक्शन टूट गया था। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये जो ग्लिच था ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब ट्रायल लिया गया था उस समय ये सॉफ्टवेयर अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहे थे। आप सभी को ध्यान होगा, पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि इंडियन ऑफिशियल्स रशिया के साथ साइन की गई केमोव 226T हेलीकॉप्टर्स की डील में स्वदेशीकरण की मात्रा को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। और इंडियन ऑफिशियल्स का कहना था कि इसी वजह से इस प्रोग्राम में देरी हो रही है। और अब इन हेलीकॉप्टर्स के मैन्युफैक्चरर्स यानी कि रशियन हेलीकॉप्टर्स की तरफ से भी एक नई स्टेटमेंट निकल के सामने आई है, जिसमें उनका ये कहना है कि इन 140 हेलीकॉप्टर्स की डील में देरी भारत की तरफ से हो रही है, और जबकि कंपनी ने भारत को इस हेलीकॉप्टर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी है। और रशियन हेलीकॉप्टर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव एंड्री बोंगेस्की का ये भी कहना है कि अगर इंडियन आर्मी के लिए 140 हेलीकॉप्टर्स की डील के साथ इंडियन नेवी के लिए भी 100 रोटरक्राफ्ट की डील को शामिल कर दिया जाए तो ये भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा।
हालांकि भारत और रशिया के बीच इंडियन नेवी के लिए करीब 100 केमॉफ 226T हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई को लेकर शुरुआत में कुछ बातचीत हुई थी, लेकिन उस बातचीत का फिलहाल कोई अंतिम परिणाम देखने को नहीं मिला है। और कंपनी ऑफिसर्स का कहना है कि उन्होंने इस हेलीकॉप्टर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भारतीय रक्षा मंत्रालय को दे दी है और इसमें जो भी देरी हो रही है वो भारतीय पक्ष की तरफ से है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देरी का क्या कारण है। और जबकि इंडियन ऑफिसर्स के मुताबिक ये देरी इसलिए हो रही है क्योंकि वे इन हेलीकॉप्टर्स में स्वदेशी कंटेंट की मात्रा को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। 15 नवंबर को विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इंडियन नेवी के लिए निर्मित की जा रही दो 50 टन तक के बुलाट पुलटक्स बलराम और वीरन के लिए कील लेइंग सेरेमनी को आयोजित किया था। यानी कि इन दोनों 50 टन तक के बुलाट पुलटक्स के निर्माण कार्य को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया है और इंडियन नेवी के लिए इस तरह के टोटल 4 बुलाट पुल टक्स का निर्माण किया जाएगा और इसलिए जो बाकी के अन्य 2 टक्स हैं उनके निर्माण कार्य नवंबर के अंत से शुरू होगा। बता दें कि जो बुलाट पुल टक्स होती हैं वो एक खास तरह की वेसल होती हैं जिनका इस्तेमाल अन्य वेसल्स को खींचने या धक्का देने के लिए किया जाता है। और इंडियन नेवी के लिए 50 टन तक के बुलाट पुल टक्स का निर्माण किया जा रहा है जिनकी लेंथ 34 मीटर और ब्रेथ 11 मीटर है और ये 12 नॉट्स की रफ्तार के साथ चलने में सक्षम है। और पूरी कोशिश की जा रही है कि इन टक्स को अगले साल तक इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया जाए। और अब समय है कल के सवाल के जवाब का। तो हमने आपसे कल पूछा था कि DRDL क्या है। तो DRDL का मतलब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, जो कि DRDO के तहत आने वाली एक मिसाइल सिस्टम लेबोरेटरी है और इसका मुख्य काम इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए अलग अलग तरह के मिसाइल सिस्टम्स को डिजाइन करना, विकसित करना और उनकी उड़ान का मूल्यांकन करना है। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।